हेलो जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और आज मेरे बेटे का है कोरोना के बाद पहला दिन स्कूल जाने का। तो अभी सुबह बाहर बहुत ज़्यादा धुंध पड़ी है और टाइम हो रहा है 6:30। और चलिए मैं आपको पहले बाहर दिखाती हूँ। और आज है 25 जनवरी और दिन है सोमवार। और बाहर देखिए कितनी धुंध यहाँ पे पड़ी हुई है। छोटी छोटी सी बूंदें यहाँ पे, जब बहुत ज़्यादा धुंध पड़ती है ना, तब छोटी छोटी सी बूंदें गिर रही होती है। तो ये देखिए सामने रोड है पर दिख नहीं रहा है। और मैं सुबह जल्दी उठ गई थी इसलिए मैंने सब्जी बना ली है, आलू मटर की सब्ज़ी बनाई है, मैंने वीडियो शेयर नहीं किया। और रोटी भी बना ली। और ये है टिफ़िन जो मैं इसको टिफ़िन देने वाली थी, लेकिन वो बाद में फिर टिफ़िन लेके नहीं गया था। साल बाद जा रहा है। साल तो नहीं है, टाइम बाद जा रहा। अच्छा, ये बाल खड़े नहीं करने स्कूल के लिए? अच्छे कर रहा हूँ, नॉर्मल ऐसे कर रहा हूँ। हाँ, अच्छे से बच्चों की तरह बना। बाहर पड़ी है बहुत ज्यादा धुंध, कैसे चलाएगा साइकिल? पैरों से कैसे चलाऊंगा, पैडल मारूंगा। धुंध पड़ी है, ध्यान से देखना। ये देखो, और ये तो इनका तो सुबह सुबह ही हो जाता है ना, ये तो सुबह हो जाते हैं। और बाहर देखिए कितनी धुंध पड़ी है। और अभी मैं लगा रही हूँ सुबह की बेटे की थाली। और मेरा बेटा सुबह सुबह जब स्कूल जाता है तो खाना खा के जाता है। उसका ये मुझे स्टार्टिंग से ही है कि खाने का कोई प्रॉब्लम मुझे उसका नहीं रहा है। हाँ जी मिस्टर पार्थ, कैसा लग रहा है एक साल बाद स्कूल जाते हुए? बहुत अच्छा लग रहा है। है? आपके रोज के डांट से मतलब थोड़ी जान छूटेगी मेरी। और किस किस के बच्चों के स्कूल ओपन हो गए हैं मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और ये बेचारी साइकिल भी कम से कम एक साल से ऐसे ही रखी हुई है, इसमें भी अब जंग लगने लग गया था, अब सही हो जाएगा। और इसका नाम इसने रखा है धन्नो। और एक साइकिल इसके नाना के पास है तो उसको बोलता है, वो है नानो, नाना की ब्लैनो। क्या नाम है तेरी इसका? साइकिल नहीं, अभी जो तो बताया तूने, धन्नो भाई, ये इसकी धन्नो है। जरा एक मिनट इस साइड हो जाना, मेरा शर्मीला सा बेटा। ये टोपी पहनना, बूंदे गिर रही है बाहर, टोपी पहननी है। नो 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 नो, वो देख इतनी धुंध पड़ी है, छोटी छोटी बूंदे गिर रही है, बाल खराब को रहने दे तू, पहन टोपी। और पार्थ की धन्नो अब बहुत आवाज भी करने लग गई है। ओके फिर बाय, जाओ। ध्यान से चलाइयो, सामने से भोग गया, पर धुंध इतनी पड़ी है दिख भी नहीं रहा है, इतनी धुंध पड़ी है। तो अभी बेटा तो स्कूल गया, लेकिन मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है, पूरा घर ऐसे लग रहा है जैसे सुनसान सा पड़ा हुआ है। चलो कोई नहीं, स्कूल तो जाना ही है, लेकिन आज ना मेरे को बहुत अजीब सा लग रहा है, पूरा खाली खाली सा लग रहा है बहुत ज्यादा। ये इसका पंप है, मैं ये पहले रख लूँ इधर। और अब करूँगी मैं घर के पूरे काम। मेरे को ना उसका थोड़ा सा ये डर लग रहा है कि धुंध ज़्यादा पड़ी है इधर, और वो जाता है हाईवे से, तो चलो कोई नहीं, और ऊपर से जाता है फिर साइकिल में, तो चलो कोई नहीं, अभी आ जाएगा, 12 बजे आ जाएगा। वैसे पिछले साल भी तो जाता था, लेकिन अभी इतने दिनों बाद गया तो मुझे थोड़ा सा वो होता है, घर पूरा सुनसान सा लग रहा है, अजीब सा लग रहा है। चलिए कोई नहीं, अब मैं निपटा लेती हूँ अपने किचन के काम। और इस कोरोना ने ना पूरी दुनिया को हिला के रख दिया है, तो सबके जो टाइम थे सारे अस्त व्यस्त हो गए थे, अब धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो रहा है। किचन पूरा फैला हुआ है, अभी मैं पहले ये समेट लेती हूँ। और वो ना टिफिन नहीं लेके गया कि मैं 12 बजे आ जाऊंगा, और यहीं पे खाना खा के चला गया, टिफिन लेके नहीं गया। मैं सुबह से सब कुछ बना के रख दिया था। चलो, और पहले अब मैं फटाफट से गैस को साफ कर लूँगी और फिर सेल्फ को, और उसके बाद फिर मुझे करने हैं बर्तन साफ।
और वीडियो में अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बने बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, इससे आपको मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बहुत जल्दी मिल जाएगा। और अब मैंने बर्तन भी साफ़ कर लिए हैं और किचन हो गया मेरा पूरा क्लीन, और अब मैं लगाऊंगी झाड़ू। आप किचन में क्या कर रहे हो? चलो उधर चलो वहां पे। और ये महाशय, इनको तो बस हर जगह घूमना होता है, पर मैं इनको किचन में आने के लिए मना करती हूँ, क्योंकि किचन में जो भी ये सामान होता है ये सारा बिखेर देते हैं। खाना वाना इन्होंने थोड़ा बहुत ही होता है, पर वो है होती है ना जैसे पैरट की आदत की, पेड़ से निकालो एक पुछ डालो और फेंक दो, तो इन दोनों का भी वैसे ही होता है। और जैसे कि ये मैंने किन्नू रखे हैं, तो ये अगर दोनों इधर आ गए तो फिर 5 मिनट में पूरे किचन में फैले हो गए, ये ऐसे इनके काम होते हैं। और सुबह का वही होता है कि फिर घर का पूरा साफ सफाई हमें करनी होती है। और हॉल का जो ये मैट है ये बहुत भारी है, तो इससे ये मेरे से उठाया भी नहीं जाता, तो इसमें मैं क्या करती हूँ तिल्ली वाले झाड़ू से इसको साफ़ कर लेती हूँ। और अभी मेरा दूसरे वाला रूम भी साफ़ हो गया, और इसी तरह से मैं पूरे घर में अभी झाड़ू लगा लूँगी। और फिर घर में झाड़ू लगाने के बाद फिर बाहर का एरिया होता है वहाँ से झाड़ू लगानी होती है, और फिर उसके बाद लगाऊँगी पोछा। और ये देखिए अभी मेरा झाड़ू लगते लगते अब मैं आई हूँ बाहर। और आजकल क्या हो रहा है ना कि हवा बहुत चल रही है, और जब हवा से फिर मिट्टी अंदर बहुत ज़्यादा आ जाती है, तो इसलिए अगर थोड़ा बाहर तक सफाई कर लें तो थोड़ा कम जाती है फिर अंदर। और अब मेरा झाड़ू वाला काम तो ख़त्म हो गया, अब पोछा लगा रही हूँ। और आजकल मिट्टी बहुत ज़्यादा अंदर आ रही है तो डेली ही पोछा लगाना पड़ता है। पीछे जैसे सर्दियों में मैं एक दिन छोड़ के लगाती थी, लेकिन आजकल इतनी मिट्टी आ रही है कि रोज़ ही लगाना पड़ता है। और मैं अपनी वीडियो किससे बनाती हूँ और एडिटिंग किससे करती हूँ मैं लास्ट में दिखाऊंगी। और पोछा लगाने के बाद अब मैं मशीन में डालूंगी कपड़े, और मेरे कुछ कपड़े हाथ से धोने के लिए, तो वो तो मैं हाथ में नहीं धोऊंगी क्योंकि बाहर आज धूप बिल्कुल नहीं है, तो मशीन वाले तो हवा में ही सूख जाएंगे। तो अब मैंने कपड़े इसमें डाले हैं, और अभी नहाना धोना कुछ नहीं हुआ है, अभी बाथरूम क्लीन करना है, उसके बाद फिर लंच बनाना है। पर अब मेरा जो काम है, अब मैं वीडियो को एडिट करूंगी, उसके लिए मुझे 1 या 1.5 घंटा लग जाएगा। एक्सपोर्ट करनी होती है, फिर उसको अपलोड करना है, थंबनेल बनाने हैं, बहुत ज़्यादा काम होता है। और अब मैं करूंगी वीडियो की एडिटिंग, और फिर उसके बाद अपलोड करके फिर मेरा जो काम है नेक्स्ट वाला होगा। तो चलिए आज का वीडियो मेरा यहीं तक था। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलेंगे एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। और मैं अपनी वीडियो फ़ोन से ही बनाती हूँ और एडिटिंग भी फ़ोन से ही करती हूँ, तो बस अब ये वीडियो जाएगी आपके पास, तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। एंड थैंक यू।